आफ्टर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम Hyundai ने अपनी न्यू क्रेटा इंडिया में लॉन्च कर दी है। सो फाइनली ये कार अब आपको मिलने वाली है और भी ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स एज वेल एज और भी ज़्यादा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ। सो इस वाले वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ Hyundai Creta SX ऑप्शनल 1.4 टर्बो 7 DCT वेरिएंट का, जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है एंड ये फुल्ली लोडेड है। सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Click on subscribe button and smash the bell icon for the regular updates on my channel. सो Hyundai ने क्रेटा की डिज़ाइन में अब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं और अब ये कार आपको एक्सटीरियर से देखने में बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगने वाली है। और इसमें लगा है 1400 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर DHOC BS6 कापर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन एंड द माइलेज 16.8 KMPL। और अगर मैं बात करूँ कार के फ्रंट लुक के बारे में तो ओवरऑल जो इसका लुक है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव आपको देखने को मिल जाएगा। देन ये है इस कार की एक्टिव कॉर्नरिंग हेडलाइट जो कि आपको 3 पार्ट में मिलने वाली है और ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक देखने को लगती है। देन अगर मैं बात करूँ ग्रिल के बारे में तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी Hyundai सिग्नेचर ग्रिल्स जो आजकल Hyundai की नई कार्स में आ रही हैं। देन दिस इज़ द 17-inch डायमंड कट अलॉय व्हील्स जिनकी भी डिज़ाइन आप बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है। देन अगर मैं बात करूँ कार की साइड लुक के बारे में तो ये कार आपको थोड़ी बहुत पुरानी क्रेटा से मिलती हुई दिखेगी, बट देयर आर फ्यू चेंजेस। सो इफ आई टॉक अबाउट द बैक लुक ऑफ द कार तो ये भी आपको फ्रंट लुक से बिल्कुल रिलेटेड लगेगा। देन ये है कार की रियर टेल लाइट्स और ये भी आपको 3 पार्ट्स में मिलने वाली हैं और स्टॉप लैम्प जो है वो बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन पे माउंट किया गया है। देन ये है कार का पूरा एरियल व्यू, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स। लेट्स गो इनसाइड और यहाँ पे आपको फर्स्ट लुक में क्रेटा का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस देखने को मिलने वाला है। देन जो इसका फ्रंट पूरा डैशबोर्ड कैबिन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में मिलने वाला है एंड आई पर्सनली लाइक द डिज़ाइन ऑफ एसी वेंट्स। देन यहाँ पे है इसकी ऑडी स्टाइल स्टेयरिंग एंड गाइज मुझे इसका सबसे बेस्ट पार्ट इंटीरियर का ये स्टेयरिंग ही लगती है। देन स्टेयरिंग पे आपको कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे जिसमें एक तरफ होंगे ऑडियो कंट्रोल्स एंड यू विल गेट द क्रूज कंट्रोल्स ऑल्सो विद अ वेरी गुड फिनिशिंग। और ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, GPS और कार में है 6+ स्पीकर्स, USB ऑक्स, BT वॉइस कमांड एंड ब्लू लिंक को ये सपोर्ट कर देगा। देन दिस इज द 7-speed डुअल क्लच मैनुअल ओवरराइड गियरबॉक्स जिसमें आपको मिलने वाला है पैडल शिफ्ट एज वेल एज यू आर गेटिंग स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स एंड वायरलेस चार्जिंग। देन ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि फीचर करता है डिजिटल क्लॉक, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, लो फ्यूल वार्निंग, डायनेमिक शिफ्ट इंडिकेटर, इंस्टेंटेनियस कंजप्शन एंड डोर अजार्ड वार्निंग को। देन यहाँ पे है कार के ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर्स में मिल जाएंगे देन एज वेल एज सनरूफ कंट्रोल्स। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द सेफ्टी फीचर्स विच Hyundai हैज गिवन इन इट्स न्यू Creta। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल एंड TCS। तो गाइस ये सब सेफ्टी फीचर्स उन कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं जिनको अपनी Creta सेफ चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेलीमैटिक्स ऑफ दिस कार एंड टेलीमैटिक्स जो होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के दिनों में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है रिमोट सनरूफ ओपन एंड क्लोज वाया ऐप, व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, लॉक एंड अनलॉक द कार वाया ऐप, एमरजेंसी कॉल, फाइंड माई कार, लाइट फ्लैशिंग एंड हॉन्किंग एज वेल एज रिमोट AC ऑन एंड ऑफ। और आपको यहाँ पे जियो फेंस टेक्नोलॉजी का भी यूज मिलने वाला है। सो ये सब फीचर्स मॉडर्न एंड अर्बन बायर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो Hyundai ने एक कंप्लीट पैकेज दे रखा है अपनी कार के अंदर विच इज अ नाइस थिंग अगेन। सो लेट्स नो अबाउट वेरियस कलर स्कीम्स ऑफ द 2020 Hyundai Creta। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे एज वेल एज यू आर गेटिंग सॉलिड कलर्स ऑल्सो एंड ये सब जो कलर्स है बहुत ही ज्यादा प्लीजेंटली डिजाइंड है और इन कलर्स में कार की एक्सेसरीज एंड बेसिक पार्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं, चाहे वो बात हो कार की स्किड प्लेट्स या फिर लाइट्स एज वेल एज अलॉय व्हील्स के बारे में। देन आपको यहाँ पे कार में काफी ज्यादा डुअल टोन ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं। सो ओवरऑल Hyundai ने हर टाइप के कस्टमर्स का ख्याल रखता है इस कार में। जिनको कार चाहिए वाइब्रेंट में उनके पास भी ऑप्शन है बहुत सारे एंड जिनको कार एक डल और एक अच्छा लुक में चाहिए उनके लिए भी बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं। सो इन दिस सेगमेंट Hyundai विल गो हाइट्स। सो नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द राइवल्स ऑफ दिस 2020 Hyundai Creta। सो वैसे भी Hyundai Creta अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर थी, बट इस समय मार्केट लीडर है किया सेल्टॉस एंड ये Creta की बिगेस्ट राइवल है। देन जो नेक्स्ट कार है वो है रेनॉल्ट की कैप्चर, बट इसकी सेल्स थोड़ी लो हैं, बट ये भी एक अच्छी गाड़ी है। देन द नेक्स्ट कार इज निसान टेरानो जिसकी सेल्स बहुत ज़्यादा लो चल रही हैं। देन दिस इज द 7-सीटर कार ऑफ होंडा विच इज़ होंडा BRV। देन यहाँ पे मारुति की न्यूली लॉन्च XL6 एंड ये भी अपने बायर्स को अपने हिसाब से डील कर रही है। देन द लास्ट कार इज रेनॉल्ट किक्स। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द रीसेंट ऑटो अपडेट्स इन आर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट।
तो यहाँ पे टोयोटा ने लॉन्च कर दी है अपनी लग्जरी MPV जिसका नाम है टोयोटा वेलफायर। एंड गाइज, ये अट्रैक्ट करने वाली है लग्जरी पसंद करने वाले कस्टमर्स को। देन यहाँ पे है रेंज रोवर डिफेंडर विच इज अर ऑफ रोडर डिजाइन। एंड देन यहाँ पे है मर्सिडीज बेंस GLC कूपे जिसके डिजाइन को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बदल दिया गया है। देन यहाँ पे है BMW X1 का फेसलिफ्ट। एंड ये कार आप और भी ज्यादा सेल्स ग्राफ को मेंटेन करने वाली है। देन यहाँ पे वोक्सवैगन की तरफ से दो अपडेट्स हैं, जिसमें जो पहला अपडेट है वो है टिंग1 ऑल स्पेस का लॉन्च। देन द नेक्स्ट कार इज वोक्सवैगन टी-रॉक जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV है एंड ये भी बहुत ही अच्छी प्राइस टैग में रखी गई है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।